दिन के, जब 4 दिन के हुए तो इनसे मिलने के लिए इनके मित्र आए। कौन से इनके मित्र? सुदामा जी तो 7वें दिन आएंगे है, वृषभावन जी हाँ वो भी है, और बताइए। हाँ, भगवान भोलेनाथ आज साक्षात ठाकुर जी के बेस्ट फ्रेंड है। भोलेनाथ जी सब कुछ है, फ्रेंड भी है, अपने आप को दास भाव भी रखते हैं, सखा भी समझते हैं, वात्सल्य, कभी कभी वात्सल्य भी उमड़ता, कभी कभी गोपी भाव उमड़ जाता है। कल रास होगा उसमें गोपी बन के आ जाएंगे। तो मित्र का जन्म हुआ है तो ये सोच करके भोलेनाथ जी दर्शन करने आ गए ब्रज में। पर भोलेनाथ जी का रूप स्वरूप तो है ही, थोड़ा सा ओघड़ रूप है, तो यशोदा मैया देख के नेक घबरा गई। मैया बोली, बाबा कहाँ लेने आए हो? बाबा बोले, लाला के दर्शन करने आए हैं। मैया बोली, अरे बाबा 4 दिन को छोटो सो लाला कन्हैया, और तुम्हारे गले में सांप पड़े हैं, बिच्छू पड़े हैं, कोई एकाध सांप उतर के मेरे लाला पे चढ़ गए तो? बाबा बोले, ऐसे थोड़ी चढ़ जाएंगे, सब हमारे पालतू हैं, हमारे चेला हैं, जैसे कहेंगे हम आज्ञा करेंगे। मैया बोली, बाबा तू कछ भी कह, पर मैं तो बड़ी घबरा रही हूं, तो ये देख के मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, पर मैया इतनी दूर से अगर कोई आशा लेके आए उसको निराश करके भेजते हैं क्या? तो मैया बोली, बाबा तू आशा ही इतनी खतरनाक लेके आयो तो मैं क्या करूं? लाला के दर्शन करवा दे। अरे तो लाला की मैया के दर्शन कर ले, मैया भी तो लाला के समान सुंदर है। बाबा हंसने लगे, अरे भोरी मैया, तू जानती नहीं तेरे घर किसने जन्म लिया है? जगत पिता, परम पिता, सच्चिदानंद विग्रह तेरे घर आया है। यशोदा मैया बोली, बाबा कौन सच्चिदानंद, कौन परम पिता, कौन जगत पिता? बाबा लगे तू कहीं गलत एड्रेस पे आ गए हो। मैं कई परम पिता भगवान भगवान को नहीं जानू, मैं तो अपने छोटे से लाला को जानू। सो अभी सो रहे हो बाबा, तुम चले जाओ। बाबा ने जिद करी कि मैया जाऊंगो तो दर्शन करके, चाहे कछु भी आ जाए, तू जाने नहीं। योगी की हट, योगी हट, एक होती है बाल हट, एक होती है अश्व हट, और एक और होती है बड़ी खतरनाक। हाँ, अब उस पे ज्यादा मैं डेफिनेशन दे नहीं सकती, क्योंकि उस पे व्याख्या देना भी खतरनाक है। तो मैं, बाबा बोले, तू मैया जानती नहीं, हम योगी हैं, योगी की हट बड़ी खतरनाक होती है। मैया बोली, बाबा तू भी जाने नहीं है, मैं ब्रज की डोकरी हूं, डोकरी, मैंने ठान ली ना, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। बाबा बोले, देखे मैया कब तक नहीं करेगी, बैठे हम यही तेरे आंगन में जिद करके। सो बैठ गए भोलेनाथ बाबा। अब भोलेनाथ जी बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हट है, पर भीतर से सोच रहे मैया है बड़ी जिद्दी, मानेगी नहीं ऐसे। तो एक काम करो, जिनसे मिलने आयो उनसे ही बोलो। तो ठाकुर जी से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन लगा के भोलेनाथ जी ने कहा, वाह जी बड़े अच्छे यार निकले आप तो, ऐसी यारी होती है कहीं यार दरवाजे पे खड़ा और तुम भीतर बैठे छुपे बैठे हो दरवाजा लगा के? हम इतनी दूर से आ सकते, तुम कमरा से यहां तक नहीं आ सकते? तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा के शंकर जी को कहा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई हम 8-10 साल के बालक हों, कुछ बोल सके, कुछ कर सके। आप ही तो आप इतनी जल्दी गए कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब 4 दिन का बच्चा क्या करे रोने के अलावा? तो भोलेनाथ जी तुरंत बोले, बस यही कर दो, क्या पता इसी से काम बन जाए। तो तुरंत भगवान ने भोलेनाथ जी की बात को स्वीकार करके जोर जोर से रोना शुरू किया, नाटक वाला रोना। दो प्रकार का रोना होता ना, एक तो होता नॉर्मल रोना जो बच्चा दिल से रोता, एक होता वो रोएगा में ना तो एकदम लय में रोएगा। तो मतलब ये नाटक वाला रोना है उसका, नाटक से रोता है। तो ऐसी ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं, घबरा गई मैया।
एक तो मैया की आयु इतनी ज्यादा, जब बालक लाला भयो 80 बरस की मैया थी, 80 साल की। सो क्या करूं, कैसे लाला को छुप करूं। दो चार सखियों ने इलाज बता दिए, मैया राइन ऑन कर दे, मैया नजर उतार दे, मैया ने सब कर दिया, पर कोई फर्क पड़ा नहीं। और रोने लगे जोर जोर से, तो कई सखी ने फिर सुझाव दियो, मैया लगे तेरे छोरा के ऊपर भूत प्रेत चढ़ गए, तो भूत उतारने पड़ेंगे। कौन उतारेगो? तो बोली मैया बाहर बैठो, एक बाबा जी सो कछ ऐसे होठ से हिला रहे हो, हमको तो लगे वही ने कछु कर दियो है। अब मैया वही के ढोरे लेके चल। मैया बोली तू पागल है गई है, मैं तो वाते कितनी जिद करके कह के आई हूं, दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे मैया जिद ज्यादा प्यारी है कि अपनो बेटा? मैया बोली बेटा प्यार हो तो बस फिर चलो हमारे संग। और यशोदा मैया को संग लेके सखी भोलेनाथ जी के सामने ले आई, और जैसे श्री भोलेनाथ जी ने दूर से गोद में नन्हे से प्यारे से नीलमणि के समान चमक रहे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी देखते ही रोना बंद कर देते हैं और श्री शंकर भगवान की आंखों में जर्जर आंसू बहने लगते हैं। हाँ प्रभु, इतना सुंदर रूप कभी आज तक न देखा होगा, इतना शाम सलोना और उस पर सुंदर सुंदर मुस्कुराहट, आंख से आंसू बह रहे हैं। मैया बोली बाबा लगे मेरे छोरा को रोग तो कु लग गयो, तू काय को रो रहे हो है? बाबा बोले मैया मैं तेरे भाग्य को देख देख के रो रहे हूँ, तेने कितने पुण्य करे होंगे जो जगत का पालन करता मैया तुझको उसका पालन करने का मौका मिला, पर तू मैया बड़ी भोली है। और ऐसे ही रहे, ऐसे ही सही है, भगवान समझ लेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।